हम लोग अपने घरों में, अपने स्कूल में, अपने ऑफिसेज में कंप्यूटर में काम करते हैं, और बहुत हो सकता है कि हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हों, बट कभी हमें अपने कंप्यूटर को जब शिफ्ट करना पड़ जाता है, और तो हमें उसमें केबल के कनेक्शन करने पड़ते हैं, दोबारा से कंप्यूटर के सारे कनेक्शन करने पड़ते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें घबराते हैं या डरते हैं कि हम केबल के कनेक्शन कैसे करें, हमें तो आता ही नहीं है, हमें पता नहीं है, या पता नहीं कौन से केबल का कनेक्शन कहाँ पर होता है, और या इस बात से भी डरते हैं कि कहीं हमें करंट ना लग जाए। तो दोस्तों, ये कनेक्शन करने में कोई ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं होती है, और ना ही हमें इसमें करंट लगता है। किस तरीके से हम इसके कनेक्शन करते हैं वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने अपने सीपीयू को देखिए आपकी तरफ रिवर्स कर लिया है, और इसमें कुछ कनेक्शन हो रखे हैं। ये क्या क्या कनेक्शन है मैं इनके बारे में बता दे जाता हूँ। सबसे पहले ऊपर मैंने ये जो आपको कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ये पावर केबल है। इससे क्या हुआ है, पावर मिली हुई है आपके सीपीयू को पावर मिलेगी, तो तभी आगे सारा प्रोसेसर को, इसके रैम को, हार्ड डिस्क को, मदरबोर्ड को, सबको पावर आपके पावर सप्लाई आगे होगी। ये जहाँ पर ये पावर कनेक्शन किया गया है, इसे बोला जाता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये SMPS का काम है, ये AC वोल्टेज को हम देते हैं, और AC को ये DC में कन्वर्ट करके आगे सप्लाई करता है, जितने भी डिवाइसेज अंदर हैं, जितने भी कंपोनेंट अंदर हैं, सारे अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं वो DC वोल्टेज पे काम कर रही होती हैं। तो ये SMPS का काम यही है कि ये AC वोल्टेज को DC वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आप ये नीचे ब्लू कलर का जो केबल आपको दिखाई दे रही होगी, इसका कनेक्टर जो है ब्लू केबल का है, ब्लू कलर का है। तो ये जो कनेक्टर है ये डिस्प्ले के लिए है। इस केबल को बोलते हैं हम VGA केबल, वीडियो ग्राफिक अरे। तो इसका काम क्या है, ये सिग्नल, एनालॉग सिग्नल भेजता है मॉनिटर को, और डिस्प्ले प्रोवाइड करवाता है आपको। जो भी हमारा डेटा है, सारा चीज़ें हमारे क्या होती है, हमारे सीपीयू के अंदर रहती है, इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर है। इसको हम सीपीयू बोलते हैं, एक्चुअली ये कैबिनेट बॉक्स है, सीपीयू प्रोसेसर को बोला जाता है, पर नॉर्मली इसको भी, क्योंकि वो इसी के अंदर है, तो नॉर्मली हम इसको सीपीयू बोल देते हैं। तो सीपीयू क्या है, और रैम कैसे इसके अंदर होती है, मदरबोर्ड कैसा होता है, हार्ड डिस्क कैसा होता है, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, जब इसको अंदर खोल के सब आपको दिखाया जाएगा। देखिए, ये केबल है, इसको बोला जाता है VGA केबल, वीडियो ग्राफिक अरे। इसका काम है डिस्प्ले करना। आप ये देखो, आपके मॉनिटर से कनेक्टेड है। आपका मॉनिटर कैसा भी हो सकता है, चाहे वो CRT मॉनिटर हो, LED हो, LCD हो, या TFT हो, तो किस तरीके का भी है, उसमें इस तरीके का एक केबल आपको मिलेगी। और हो सकता है कि डिस्प्ले करने के दूसरे मीडियम भी हैं, जैसे कि आपका अदर पोर्ट, अगर मैं बताऊँ तो डिस्प्ले पोर्ट है, या HDMI पोर्ट है, जो काफ़ी हाई डेफिनेशन के डेटा को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उनके भी पोर्ट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसमें डिस्प्ले के दो पोर्ट हैं, HDMI पोर्ट तो नहीं है। HDMI पोर्ट का ऑप्शन ज़रूर है कि हम इसमें एक्सटर्नल लगा सकते हैं, पर HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट दोनों काफ़ी इनकी जो फ्रिक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हो सकती है, होती है, और काफ़ी इनकी पिक्चर क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब कीबोर्ड माउस आप देख लो, कीबोर्ड माउस और प्रिंटर का कनेक्शन कर रखा है। ये सारे देखो, सारे USB वाले हैं, और USB में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं पर भी। आप देखो, USB के इतने 6 पोर्ट यहाँ पर हैं, और 2 पोर्ट पीछे फ्रंट में है, तो टोटल 8 पोर्ट हैं, कहीं पर भी आप लगा सकते हो। और मोस्टली हम इसका कनेक्शन पीछे ही करते हैं, आगे हम पेन ड्राइव के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि जब इसका मुंह आगे की तरफ होगा तो हमारे लिए पेन ड्राइव लगाना बहुत ईजी हो जाएगा आगे से। तो ये देखिए, ये इसके कनेक्शन है सारे। कभी कभी अगर आपको स्पीकर कवर की ज़रूरत है, स्पीकर लगाना है, तो आप यहाँ पर सेंटर में स्पीकर लगा सकते हैं, और इसमें माइक का भी ऑप्शन है, और लाइन का भी ऑप्शन है, और इसके फ्रंट में भी इस तरीके से 2 पोर्ट है, एक तो आपका स्पीकर के लिए है, और दूसरा जो है माइक इनके लिए है आपका। इसके दूसरे चीज़ें आपको दिखा देते हैं, प्रिंटर के लिए देखो, ये केबल, इसका एक सिरा तो ठीक USB है, और दूसरा यहाँ से आपको देख पा रहे होंगे इस तरीके का है, डी शेप में है, इसको आप अपने प्रिंटर पर कनेक्ट कर लेंगे, और दूसरा एक पावर केबल है, वो पावर केबल आप कनेक्ट कर लेंगे। मॉनिटर में आप देख लीजिए, मॉनिटर
नॉर्मल टर्मों में सेम चीज़ है, ये डिस्प्ले का जो आपका था वीजे केबल, इसका दूसरा सिरा जो है मॉनिटर से कनेक्टेड है और एक पावर केबल इसको मिली हुई है। इसमें देखो इसी तरीके के पावर केबल है और हो सकता है कि ये अडाप्टर की तरह हो, जैसे आपका चार्जर होता है या आपके लैपटॉप का चार्जर होता है, जो उसी तरीके का अडाप्टर एक लगा हुआ हो, तो किसी भी तरीके का हो आप कनेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए इसके कनेक्शन आपको करके दिखा देते हैं। यूएसबी को तो आप कहीं पर भी कनेक्ट कर दो, इसके बाद वीजे केबल, इसको अगर रखते करते इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि इसमें देख पा रहे हो गए आप इधर की साइड जो है इसकी छोटी है और इधर की साइड थोड़ा सा लंबी है, तो उसी तरीके से यहाँ पर एसी का कनेक्टर बना होता है, उसको बस हमें ध्यान से देख के लगा लेना होता है और उसके बाद हमें ये स्क्रू टाइट कर देना है और लास्ट में इसकी पावर केबल हम लगा देंगे। इसमें सारे कनेक्शन हो गए हैं, अब इसको हम ठीक से एडजस्ट कर लेंगे और जितनी भी वायर्स आपको दिखाई देनी है इन सारे वायर्स को हमको अच्छे से मैनेज कर लेना है, और अगर हमारे पास केबल टाइट है तो उससे हमें उनको बांध के ठीक कर लेना है ताकि ये इस तरीके से फैले ना, उससे ख़राब भी लगता है। और ये सारी चीज़ें हम इनको ठीक से कर लेंगे और उसके बाद इनको अभी हम सॉकेट में लगा के पावर ऑन कर देंगे और ये देखिए हमारे सारे कनेक्शन हो चुके हैं। बस अब हमें क्या करना होता है, सीधे इनको पावर सॉकेट में लगा के ऑन कर लेना होता है, फिर अपने कंप्यूटर को ऑन करके हम काम कर सकते हैं इस पर। तो इसमें कोई भी ऐसे डरने की बात नहीं थी, आराम से आप इसको कर सकते हैं और अगर कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत पड़ती है तो आप ये कनेक्शन आराम से खुद से कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और बेल आइकन को जैसे आप प्रेस करोगे तो तीन ऑप्शन आएंगे, जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन होगा ऑल, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आगे की वीडियोज आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।